सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आज के इस भाषण से आपको क्या लगता है, किन किन की तरफ इशारा था और एक नए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथी मुल्कों का उदय आप इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, भारत की सदैव से यह नीति रही, मोदी जी ने आने के बाद, आपने याद करिए जो पहली विदेश यात्रा थी वो मोदी जी ने किस देश की थी, भूटान की। दूसरी विदेश यात्रा नेपाल की। और अगर हम ये माने कि कोविड काल के कारण एक मध्यांतर आ गया, एक इंटरवल आ गया था पूरी प्रक्रियाओं में, अब एक नए सिरे से चीजें दोबारा शुरू हो रही हैं, तो पहली विदेश यात्रा बांग्लादेश की। यानी हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने को महत्व देते हैं। शपथ ग्रहण में भी उन्होंने सभी पड़ोसी देशों को बुलाया था। अब समस्या एक पड़ोसी देश के साथ है वो एक अलग बात है, मगर अगर हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों को देखें तो बांग्लादेश के उदय में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पर एक महत्वपूर्ण बात आप रूबिका जी ध्यान करिए, बांग्लादेश दो चीजों की ओर ध्यान दिलाता है। पहली बात ये कि धर्म के आधार पर कोई देश एक नहीं रह सकता। मजहब के नाम पे बना पाकिस्तान 24वें साल में टूट गया था, बांग्लादेश अलग हो गया था, क्योंकि पंजाबी बनाम बंगाली की आइडेंटिटी के बीच में चीज फंस गई थी। और देखिए, जब से अलग हुआ बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तुलना में हर दृष्टि से बेहतर प्रगति की। शिक्षा वहाँ बेहतर है, जनसंख्या पे नियंत्रण है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहतर है, जीडीपी की ग्रोथ रेट बेहतर है। यानी पिंड छूटा वहाँ से तो यहाँ बेहतर हो गए। अब भारत और बांग्लादेश के जहाँ तक संबंधों की बात देखें तो पश्चिम बंगाल से विशेषकर भाषा, वेशभूषा और हर प्रकार की चीज में एक प्रकार का साम्य है। बस केवल वहाँ पर जो अतिवादी तत्व है, यद्यपि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार ने काफ़ी वहाँ पर कड़ाई के साथ काम किया है, वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है सिर्फ वो समस्या उत्पन्न करते रहते हैं बांग्लादेश में। और दुर्भाग्य की बात ये, अब देखिए इशारे की बात होगी, अगर इसको अन्यथा ना लिया जाए, भाई बांग्लादेश में जिस ढंग से वहां की सरकार, जो वहां के कट्टरवादी तत्व हैं जमाते इस्लामी जैसे, उन पे कार्रवाई कर रही है। मैं विनम्रता से पूछता हूँ, पश्चिम बंगाल की सरकार ने कितनी कार्रवाई है? ठीक है, ये बड़ा सवाल है, मानव जायसवाल इसका जवाब देंगे। एक अंतर हो गया। मैं सभी को, मैं नमस्कार, सुधांशु जी आपको भी नमस्कार, रूबिका जी नमस्कार, और हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार, बहरहाल जो सर बोल रहे हैं, सर को थोड़ा आइडिया नहीं है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो एनआईए और आरबी के साथ, आईबी के साथ समन्वय बनाती है, कोऑर्डिनेशन करती है, और उसी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में हुए हैं, जिनका अरेस्ट हुआ है बंगाल से, और हम लोगों ने पूरी पूरी कार्रवाई की है। और ये सबसे बड़ा सिद्ध होता है कि बंगाल स्वतंत्र है, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी स्वतंत्रता है, जिसके साथ भी कुछ भी अगर उनको संदिग्ध लगे वो पूरी पूरी कार्रवाई करते हैं। और दूसरी बात, एक चीज, मैंने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुना, उनको भी मेरा नमन है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जो सोनार बांग्ला की बात करते हैं, उन्होंने सोनार बांग्लादेश से संबोधित किया बांग्लादेश को, जिसके लिए, जिसके बारे में हम बार बार बोलते हैं कि हमारा सोनार बांग्ला हमारा बांग्लादेश है। सोनार बांग्ला ऑलरेडी स्वर्ण रूपी है और हम बंगाल है और हम जय बांग्ला है। और जहां तक सर दूसरी बात एक और है, एक बहुत अद्भुत चीज मुझे देखने को मिली उनके स्पीच में, उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े होने का कहीं भी बात नहीं किया। कोई भी पाकिस्तान शब्द जो की वर्ड है बीजेपी की, वो आज यूज नहीं हुई। यह ठीक है, वो हो सकता है कि उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन ये सच है कि भूगोल बदला था एक नेत्री ने, वो भी एक महिला थी, वो हमारी प्रधानमंत्री थी, और पूरे विश्व ने देखा था किस तरीके से विश्व का भूगोल बदला था और एक नए देश का निर्माण हुआ था। और वो देश कमजोर था और सिर्फ हमारे भारत और हमारे बंगाली बहुत, हमारे जो बंगाली जो मुक्ति वाहिनी में जो जुड़े थे, जो बंगाल से जुड़ी हुई हमारी मैंने जमीनें हैं, बहुत सारे बंगालियों ने वहां पे दिया। और मैं गर्वित हूँ कि मेरे मौसा जी हैं जो वो भी मुक्ति वाहिनी में लड़े थे, उन्होंने भी गोलियां खाई थी, आज भी ऊपर आने के कोरोना के वजह से आज भी जीवित है। ये पर्सनल व्यक्तिगत स्टेटमेंट है मेरा, लेकिन नेवरतलेस एक भूगोल बदला था पूरे विश्व का और पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे। और आज मैं बता दूं, ये बंगाल की वही नेत्री है, वही काली की तरह अदम्य साहस वाली नेत्री है, जिन्होंने देश के टुकड़े नहीं किए, देश को जोड़ने की बात करी। हम देश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूं। मैडम, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। आज आपको मानना होगा कि हमारा जो प्रांत है, बंगाल प्रांत है, वो तीन दूसरे दूसरे देशों से समन्वय है हमारा, हम बॉर्डर हमारा मिला हुआ है, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल है जो नदी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बावजूद भी हमारा प्रांत सुखमय जीवन है, सुखमय जीवन में रह रहा है, हम लोग सुखमय सांस ले रहे हैं,
किसी भी तरीके से हमारे बीच में किसी तरीके से स्रोत अवरोध नहीं है। इसका इसका क्रेडिट तो आपको एक महिला को देना ही पड़ेगा। मानव जी, आप आज इंदिरा गांधी का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन आप देश को ये क्यों नहीं बताते हैं कि उसी इंदिरा गांधी की पार्टी को दूसरी महिला ने छोड़ दिया था, जिनकी पार्टी में आज आप मौजूद हैं? तब तो आपको नहीं लगा था कि उस महिला की पार्टी में मैडम मैडम इंदिरा आपको छोड़ दिया आपने। मैडम इंदिरा, आप जब उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी हिस्ट्री को भी तो ध्यान में रखिए ना सर। नहीं नहीं मैडम, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जिस पार्टी का विरोध करते हुए आज वो वहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने उस नेत्री का नाम लिया, और मैं गर्वित हूँ कि मैं उस देश में जन्मा हूँ जहाँ इंदिरा गांधी जैसी नेत्री ने जन्म लिया था। मुझे विश्वास है आप भी उतनी गर्वित होंगी जितने हमारे प्रधानमंत्री। और क्यों नहीं, और क्यों नहीं इसमें, और ये गर्व इसमें कोई फक्र क्यों नहीं करेगा? नहीं, लेकिन आप ये मत कहिए ना, आप ये मत कहिए ना, आप वो कह रहे हैं कि आप लगातार उस महिला के बारे में, और मुझे बता दीजिए एक ऐसा मौका जब उन्होंने इस तरीके की ऐसी कोई शब्दावली का इस्तेमाल किया हो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए, ऐसी किसी शब्दावली का इस्तेमाल किया हो। बहरहाल हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं। सुधांशु जी जवाब देना चाह रहे हैं, चूंकि आपने सवाल उठाया है। मैं सिर्फ हिस्ट्री आपको याद दिला रही थी। राजनीति आप दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ओके। नहीं नहीं मानव जी रुक जाइए, मानव जी रुक जाइए। प्रधानमंत्री वहाँ बांग्लादेश में, आप एक्साइटेड है, आई डोंट अंडरस्टैंड। पिनाक जी, मैं चाहती हूँ एक रिएक्शन आप भी देते, और उसके बाद सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा। पिनाक जी, मुझे पता है आप इसमें राजनीति नहीं ढूंढ रहे होंगे आज के इस भाषण में। आप क्या अलहदा देख रहे हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण में? पिनाक रंजन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ना, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। सुधांशु जी जवाब दीजिए आप। देखिए, जो कुछ मानक जी ने कहा तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, हम तो उस पार्टी के हैं, मोदी जी उस पार्टी के हैं जहां अटल जी ने 1971 में इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। हमारा स्टैंड नहीं बदला, पर आप ये बताइए इंदिरा जी ने जिस जमाने में ये बांग्लादेश का निर्माण कराया था तो क्या वचन दिया था कि एक एक घुसपैठिए को हम वापस भेजेंगे? आज क्यों बदल गए लोग इस बात से? उन्हीं की पार्टी के लोग बदल गए। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारी पीढ़ी वालों को नहीं याद होगा पर पुराने लोगों को याद होगा कि 1971 में चूंकि देश गरीब था तो हमारे ऊपर ऐसा आर्थिक अधिभार था कि एक टिकट खरीदते थे तो 5 पैसा एक्स्ट्रा लगता था, जिसको लोग कहते थे बांग्लादेश का टिकट है। चूंकि बांग्लादेशी शरणार्थियों का बोझ भारत नहीं सहन कर सकता था तो 5 पैसा एक्स्ट्रा हर चीज के ऊपर लगता था, जिसे आज तक पुराने लोग एक कहावत यूज करते हैं कि अगर कोई जबरदस्ती कोई चीज लेनी पड़ जाए तो साहब ये तो बांग्लादेश के टिकट हो गए। और उस समय इंदिरा जी ने दुनिया में घूम घूम कर यह बात का प्रचार किया था कि देखिए हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, हमारे ऊपर इतना भार पड़ रहा है इसलिए हमारी मजबूरी है युद्ध करना। हमने नहीं कहा था कि भारत के बारे में दुष्प्रचार करने जा रही हैं, भारत की गरीबी का दुष्प्रचार कर रही हैं। हमने कोई राजनीति नहीं की थी 1971 में, बल्कि उनकी प्रशंसा की थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं विपक्ष के रूप में गंभीर आचरण कैसे किया जा सकता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर यह सीखने की जरूरत है। हाँ, एक बात और कह दूं, चाहे किसी को विचित्र लगे या कंट्रोवर्शियल लगे, इंदिरा जी का योगदान है निश्चित रूप से, पर कितना योगदान है जरा 50 साल के बाद बहुत सी पुस्तकें भी आ गई हैं। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2, ये विलग्ना एल्बर्टस की स्टेट विद इन स्टेट, इन कन्वर्सेशन विद अ क्रो, यूरी बेजनेव जो कि भारत में पत्रकार बन के रहते थे, केजीबी के जासूस थे, उनके प्रकरण पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा सा यह भी क्लियर होगा कि 93,000 फौजी हमारे कब्जे में थे और हम पीओके में 1 इंच जमीन नहीं ले पाए। तो वो सब भी थोड़ा देख, 50 साल के बाद बहुत सी चीजें फैक्ट सामने आ जाते हैं तो वो भी थोड़ी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जो आपको एक पक्षी दृष्टिकोण नजर आता था। सोवियत संघ ने इतनी बार वीटो क्यों किया था और उसकी कीमत हमने अपने संविधान में, सोच प्रीएम्बल में, जिसे बाबा साहब ने संविधान की आत्मा कहा था, सोशलिस्ट सब जोड़कर चुकाई। ये सब चीजें भी अब बहुत से विदेश के लिखे लोगों की पुस्तकों में भी अवेलेबल है तथ्यों और साक्ष्यों के साथ। आखिरी 20 सेकंड मानव मेरे पास है, कल के कार्यक्रम को टीएमसी किस तरीके से देख रही है प्रधानमंत्री के? कल से कौन से कार्यक्रम? कल मतुआ समाज के बीच में मौजूद रहेंगे बांग्लादेश के। तो वैसे जैसे केदारनाथ में बैठे रहते हैं मोदी जी जब इलेक्शन होता है, और आज बंगाल में इलेक्शन है, मतुआ समुदाय हमारा बहुत ही अटूट और अभिन्न हिस्सा है, और इसके लिए शायद मोदी जी को याद आया होगा, उनका वो शायद चले गए होंगे,
और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके बारे में स्टेटमेंट बहुत सारे दिए हैं। सर मैडम एक छोटी सी बात है, मैं जब छोटा था पढ़ने में थोड़ा कमजोर था तो हर बार भगवान को याद करता था, और मेरी माँ मुझे बोलती थी कि तुम भगवान को नहीं, तुम अपने कर्म को याद करो, तुम जाके पढ़ाई करो। तो ये सिद्ध होता है कि आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको जब कठिन समय उनका आता है तो वो भगवान के दर्शन को चले जाते हैं। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि उनके साथ भी दर्शन हमारे हो जाए, और आपके इस चैनल के थ्रू हमको मटुआ समुदाय का जो मंदिर है उसका भी दर्शन होगा, और हमारे मटुआ समुदाय और हमारा बंगाल गर्वित फील करेगा। और एक छोटी सी बात, हमारे ब्रेक के जाने के पहले, चूंकि चूंकि वक्त नहीं मानव, आप आगे भी बहुत टाइम हमारे साथ बैठने वाले हैं, लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं कि जब भी आप भगवान को याद करते थे, कर्म को याद करने की बात आती थी, तो ये कर्म तो 5 साल ने किए होंगे, चंडी पाठ पढ़ने की फिर क्यों जरूरत है? वो क्यों माता रानी को फिर याद कर रही हैं? अगर वो याद करें तो कर्म की बात नहीं, अगर पीएम याद करें तो कर्म की बात याद आ जाती है। अब हम इसमें बहस नहीं कर सकते मानव, लेकिन लंबा आप हमारे साथ बैठने वाले, आगे भी चर्चा इस पर आगे जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।